Boys and girls, finally the story that you've all been waiting for a long, long time. How I met my future wife. तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खाना, वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको क्या बताऊँ, भाई की आवाज और भाई का गला सही होने को आ ही नहीं रहा। अब आप लोग भी कहोगे क्या ये रोता रहता है हर वक्त, लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स दैट इज द ट्रूथ। मैंने गूगल किया अपने सिम्टम्स, मैंने कहा तो गूगल ने तो मुझे कह दिया मेरे पास 4 दिन रहने को। फिर गूगल ने कहा कि यार हो सकता है टीबी हो सकता है ये हो वो, मतलब गूगल भाई फुल कह रहा है कि तुझे मैंने मार के छोड़ना है। उसके बाद मैंने सोचा गूगल करने से अच्छा डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ चुप करके। तो अभी सीनियर मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली हुई है, लेकिन पहले मैं काम पे जाऊंगा, थोड़ा सा काम करेंगे। यू नो वो जो मैं गूगल के सिम्टम्स सर्च कर रहा था ना, तो मुझे फुल आर्थर मॉर्गन नहीं वो रेड डेड रिडेम्पशन 2 वाला उसकी फील आ रही थी। उस बेचारे को गेम के अंदर टीबी हो जाता ना, तो बस मैंने सोचा कि मैं भी ना उसकी तरह भी टोपी पहन लो, ये वाली ये चेक करो और आर्थर मॉर्गन फील्ड में आ जाओ। I'm afraid. इसी तरह काम पे जाऊंगा, काम वाले भी कहेंगे ये क्या काउबॉय फ्रॉम दराज आ गए। ऑब्वियसली मजाक करो, मैं नहीं पहनूंगा, लेकिन टोपी गाड़ी के पीछे पड़ी थी तो मैंने कहा आपको ना थोड़ा सा जोक मार के हंसा दूं। पता नहीं हंसे होगे कि नहीं यार। अब लोगों को लग रहा होगा क्यों व्लॉग्स बनाई जा रहे हैं हालांकि बीमार है। मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग देखो कि डिस्पाइट ऑल द हर्डल्स इन लाइफ आई एम स्टिल डूइंग इट एंड आई वांट टू गिव यू गाइस दिस मोटिवेशन एंड टीच यू दिस डिसिप्लिन। अल्लाह जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, उसी की जिंदगी में सबसे ज्यादा यू नो स्ट्रगल्स भी लाता है। स्ट्रगल्स इसलिए लाता है ताकि इन स्ट्रगल्स को ओवरकम करे एंड ग्रो करे इवन मोर एज अ मैन। आपकी जिंदगी में बहुत रोड़े और बहुत मसले आ रहे हैं ना, डोंट टेक इट नेगेटिवली। पेसिमिस्टिक नहीं सोचना, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक सोचना है लाइफ के अंदर। देखो ये वक्त भी गुजर जाएगा, जिस तरह तुम अपनी बैड सिचुएशंस को हैंडल करते हो ना, दैट विल मेक योर ब्रेक योर फ्यूचर। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आई विल गो टू वर्क। मच लेटर। काम से मैं फारिग हो गया था और अभी आ गया हूँ मैं प्राइमरी केयर पे। 2 मिनट लेट हूँ अपनी अपॉइंटमेंट से, लेकिन डॉक्टर कौन सा टाइप पे आता है वैसे ही बैठा आगे रखते हैं। अभी देखना बैठा ही रहूंगा मैं अंदर, फिर आएगा 40 मिनट बाद डॉक्टर, 2 मिनट की बात करके निकल जाएगा। जस्ट ड्रिंक मोर वाटर, यू विल बी फाइन। 2 घंटे ऑफिस में बिठा के मुझे ये पता चला, डॉक्टर ने कहा कि बस कोई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, कोई कोविड नहीं है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, कोई इन्फ्लुएंजा नहीं है, कोई टीबी नहीं है। खैर आई मीन आई एम हैप्पी, बट यार इतनी सी छोटी सी इन्फेक्शन है तो मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा? उसे एंटीबायोटिक्स भेजूंगा, वो एंटीबायोटिक खाना, एक मेडिसिन कफ की भेजूंगा, वो खाना, तुम सही हो जाओगे। क्लिनिक से आ गया था वापस और ये टारगेट पे आए हैं, यहाँ के अंदर ही ना सीवीएस फार्मेसी है, तो मैंने दवाइयां पकड़नी अपनी, फिर मैं फिजा को भी ले आया साथ। मैंने कहा हम टारगेट जा रहे हैं, इसको वैसे ही बड़ा शौक है, तो आओ चलो टारगेट चलते हैं। लो भाई एंटर हो गए हम टारगेट में। यार टारगेट में ना थोड़ी पॉश हवाम आई होती है, साफ हवाम आई होती है, लेकिन मेरा दिमाग ये फैदम नहीं कर पाता कि यहाँ पे लोग चोरियाँ करते हैं। इनकी बॉयज एंड गर्ल्स रेडियाँ सबसे अच्छी होती हैं पूरे जहाँ में, जितने भी ग्रोसरी स्टोर है ना। और हम दवाइयाँ पकड़ ले पहले। बॉयज एंड गर्ल्स दवाइयाँ हमें मिल गई हैं सक्सेसफुली, ठीक है। एक म्यूसिनेक्स भी पकड़ लिया। अच्छा मैं आपको स्टोरी बता था टारगेट की ना, जो यहाँ पे चोरियाँ करते हैं लोग, बड़े स्मार्ट है टारगेट वाले। ये क्या करते हैं यहाँ पे ना, आपको ना चोरियाँ करने देते हैं टू अ सर्टेन अमाउंट। $1-2 की बंदा चोरी करता है ना, कहते कोई मसला नहीं इसको जाने दो, ठीक है, उसको कॉन्फिडेंस मिलता है बंदे को, फिर $10-15 की चोरी कर लेता है अगली दफा। और ये औरतें ही करती है ज्यादातर, फिर कॉन्फिडेंस मिलता है तो वो 50-60 की कर लेती हैं। चौथी दफा जब वो कोई $500-400 वाली करती है ना चोरी, उसके बाद जी होता क्या कि वो अगली दफा टारगेट शॉपिंग करने आती है ना, वो जब शॉपिंग की आइल में ही होती है ना, पीछे से पुलिस को बुला लेता है, तो पुलिस ना सीधी उनके पास जाती है, कहती है यू आर अंडर अरेस्ट फॉर शॉप लिफ्टिंग और व्हाटएवर ना। फिजा अब खत्म हो गई ना वैलेंटाइन डे, अब मैं तुम्हें फ्लावर देता। आई हाय इतना बदबू वाला, चुप करके इसको $8 वाला फूल दे देते हैं। एम ही 35-35 वाले देख रही है, वैसे ही मुझे आ जाना उन्होंने। ये लो जी हैप्पी बलीटेड वैलेंटाइन डे, खुश हो गई, दिल की तमन्ना मिल गई तुम्हें। देख बनी यहाँ से लाइट, ये थोड़ी सी यहाँ पे। बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली द स्टोरी दैट यू ऑल बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हाउ आई मेट माई फ्यूचर वाइफ। How I met my past wife. How I met my first wife. Alhamdulillah. नहीं मजा आया कि ये स्टोरी शुरू होती है मेरे यूट्यूब चैनल से। अब आपको यूट्यूब से मूसा भाई, लेकिन बेयर विद मी, मैं फैन नहीं थी, मैं पहले ये वो उसकी बात करते हैं। तो 2021 में मैं जब डैलस मूव हुआ, जब मैंने नई नई वीडियो लगाई थी मूविंग इन टू डैलस, तब एक मेरा फॉलोअर था जो मुझे देखता था पहले से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन में पढ़ता था, आर्लिंगटन डैलस के बिल्कुल साथ ही है। उसने कहा आप डैलस में हो, हमारा ना 14 अगस्त का इवेंट हो रहा है पाकिस्तान वाला ना PSA का, तो यहाँ पे जरूर आप आना, आप आके ब्लॉग करना, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने देखा, मैंने कहा वाह
यार पहली दफा किसी ने मुझे इस तरह बुलाया आके ब्लॉग करो वगैरह। मैंने कहा चलो एक अपॉर्चुनिटी है, देसी लोगों से मिलूंगा। तो हुआ क्या कि मैंने हाँ कर दी, और फिर जब वो इवेंट आया, मुझे आज भी याद है, मैं गाड़ी भी नहीं थी उस दिन, मैं उबर कर आके गया था। तो सबसे मुलाकात कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले, फिर मुझे याद है काफी अच्छा इवेंट था, बहुत गुड। इसकी यूनिवर्सिटी थी यूटी बेसिकली ना, वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे फॉलो वगैरह किया ना, और ये इस इवेंट पे नहीं थी, ये यूटीए की थी लेकिन ये इस इवेंट पे नहीं थी। सनी भाई जो थे ना, जनी भाई जिन्होंने, उनका नाम है जनी भाई एक्स से, जनी भाई ने ना वो वीडियो ना पोस्ट कर दी जिन्होंने मुझे बुलाया था ना, तो हमारी मिलने में उनका हाथ है उनका हाँ है। तो उसने ना वो वीडियो देखी, तो उसने कहा ओ माय गॉड वाओ, काश ये मेरा हस्बैंड होता। कुछ भी तुम्हारी इस वक्त कोई अपनी चल रही थी बात। It wasn't official, but yeah, I was committed. तो अब मैंने सिर्फ वीडियो देख के, जिस तरह बंदा देख के छोड़ देता है। Yeah. अब मैं क्या लड़के पे मूव मारूं? It's not how it is. फिर एक और इवेंट हुआ जिसमें मैं गया, जो मैंने YouTube पे वीडियो नहीं लगाई थी, बट ना एक वो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, पाकिस्तान ने 155 मारा था स्कोर 0 विकेट्स पे। UTA ने स्क्रीनिंग कराई थी, इस जनी भाई ने मुझे बुलाया था दोबारा, वहाँ पे भी ये नहीं थी इसकी, बाकी सारी दोस्त जिससे मैं मिल भी रहा हूँ। 3-4 महीने बाद ना मई 2022 आया, बिल्कुल स्टार्ट था मई का, इससे ना मुझे ना रिक्वेस्ट भेजी, फॉलो रिक्वेस्ट ना इंस्टाग्राम पे। अगले दिन इंस्टाग्राम की रिक्वेस्ट थी ना, मैं अपनी देख रहा तो उस पर आया फिजा सही ना, यूं करके क्यूट सी पिक्चर लगाई हुई इसने, कही ये तो बड़ी क्यूट है, चलो क्या करते हैं इसको ना फॉलो बैक करते हैं। बताती हूँ बैक स्टोरी ना, उस टाइम पे वैसे जो मेरा कमिटेड रिलेशन था वो खत्म हो चुका था, वो साल के शुरू में ही खत्म हो गया था। तो मैं जब आया बोर्ड थी, मैंने पीपल यू में नो में मैप सर्च करी, एंड देन ही कम्स एंड आई एम लाइक, काफी लोगों ने इसको फॉलो किया हुआ UTA के, फिर मैंने देखा लिखा हुआ लाहौर और डैलस, आई एम लाइक ओके लाहौर से पहला कोई लड़का लाहौर से मुझे मिला। इसने असल बात नहीं बताई, कहती मेरी कुछ दोस्तों ने फॉलो किया था, मैंने उनको फॉलो बैक नहीं किया था, तो कहती देखते मुझे फॉलो बैक करता है कि नहीं। मैंने खैर से फॉलो बैक किया, फिर मैंने उसको अगले दिन मैसेज किया, मैंने अपनी पिक्चर लगाई, एंड ही वाज लाइक डू आई नो यू, मैंने कहा हाय डू आई नो यू बिकॉज आई हैवंट सीन यू इन UTA इवेंट्स वगैरह ना, कहते नहीं जिसमें तुम गए थे मैं नहीं उसमें थी इवेंट्स में, मैंने कहा ओ अच्छा अच्छा। He was very flirty, मैं पहले बता दूं। फ्लर्ट ना करता आज मेरे साथ बैठी आइसक्रीम खा रही होती तो, फिर उसके बाद मैंने 2-3 फ्लर्ट वाली लाइंस मारी, अब फिर नंबर एक्सचेंज हो गया, नेक्स्ट डे फिर अगले दिन हम जी मिलने गए, ये अपनी गाड़ी से उतरी, मैं अपनी गाड़ी से उतरी चूड़ियाँ पहन के, नहीं मैं अपनी गाड़ी से उतरा, ये अपनी गाड़ी से उतरी, मैं इससे मिला, हमारी यू नो थोड़ी सी बात छा। तो इसके बाद हमने एक रामेन वाली जगह पे गए थे, अब वो रामेन वाली जगह पे वहाँ पे पोर्क सारा मिल रहा, लेकिन मैं बड़ा तेज था, मैंने प्लान हेड किया होता, मैंने कहा था कि ना ऐसी जगह पे जाएं जहाँ से ना ये मेरी गाड़ी में बैठ के फिर मेरे साथ जाएगी, अपनी गाड़ी पे आ रही थी। नहीं, ऐसा मसला ये था, मूसा यूज़ टू लिव इन वन कॉर्नर, मैं दूसरे कॉर्नर में, ये था माय घर दूसरे से आई थिंक एक घंटा दूर तो मिडिल वाली जगह पे, हमने कुछ ढूंढा था, गाड़ी में बैठे, मैंने उसको बैठाया मेरे साथ गाड़ी में, फिर हमारी बातें शुरू हुई इधर उधर की, फिर इसने मामू का मुझे बताया कि यू नो शी लिव्स विद मामू एंड यहाँ पे अमेरिका पढ़ने आई हुई है, बैचलर्स कर रही है अभी अंडरग्रेड, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कर रही थी, तुम तब भी है ना, बताया मैं बड़ी पढ़ी लिखी लाइक बच्ची हूँ, आपने खुद सोचा वो बड़ी पढ़ी लिखी, मैं कह नहीं अच्छी बच्ची है, लाइक बच्ची है, यू नो इसके अच्छे मॉरल्स है वगैरह, तो हम बातचीत कर रहे, डेट चल रही है हमारी, उसके बाद हम इन एंड आउट का बर्गर खाने गए, मैंने कहा तो इन एंड आउट के बर्गर पे भी खुश हो गई, एक बर्गर एक कोल्ड ड्रिंक दिलाई मैंने, मैंने कहा टाइम मजा आ रहा है स्पेंड करते हैं, और फिर मैंने कहा आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम खिलाई तब ये फिर डाउन हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स पहली डेट पे ना हमेशा लड़की को आइसक्रीम पे लेके जाओ, ROI बहुत अच्छा आइसक्रीम का, आइसक्रीम चाय कॉफी से भी ज्यादा अच्छी है, वो हैप्पी कर देती है बंदे को। फिर हमारी डेट पूरी हो गई, उसने कहा बड़ा अच्छा लगा, वी लाइक टीच अदर, हमने कहा हम दोबारा मिलेंगे, उसके बाद फिर हम दोबारा मिले, उसके बाद दोबारा हम फिर डीप एलम गए, वहाँ पे जाके हमने स्टेक खाई, यू शुड जस्ट गो टू दिस प्लेस मेंडले किनाल एक जगह ना, मैं तुम्हें बताता हूँ बेस्ट डेट हमारी क्या होती थी, मेंडले किनाल जाते थे, डाइट कोक पकड़ते थे वहां से, गैस स्टेशन से ना बड़ी बड़ी वाली, मैं एक सिगार पकड़ा होता था, मैं सिगार पीता था, डाइट कोक पीता था, सिर्फ डाइट कोक पीती, हम लॉन्ग वॉक्स करते थे मेंडले किनाल, दो घंटे वॉक करते थे, उसके बाद फिर हम ना कोई डिनर जाके करते थे, फिर डिनर के बाद यू नो बातें करते थे, आई होप पे या फिर नहीं रोड हाउस पे भी लेके गया था मैं तुम्हें, टेक्सास रोड हाउस बड़ी बड़ी अच्छी जगह पे लेके गया था,
आई होप पिटर खा रही है। हम लोगों के पास बातें ही इतनी होती थी क्योंकि हम खत्म ही नहीं होती थी। हाँ। रिलेट काफी कर लेते थे, एक जगह से बिलोंग, एक टाइप में, मतलब लाहौर में हम दोनों ब्रॉट अप हुए थे। ना ये बात नहीं थी, असल में मेरा रेस बहुत था, ये भी बोलो। उसके बाद मैंने मामू को बताया कि ठीक है, वैसे ही न्यू फ्रॉम द फर्स्ट डे टू के मामू है, तो मामू ने कहा, मामू ना मुझे ईसा बुलाते थे मुझे, कि मैं भी तो मिलूं कौन बंदा है। एंड आई, मुझे पता नहीं था कि ही वुड कम, क्योंकि अभी शुरू में चार मरतबा मिले थे, चार पांच मरतबा मिले। मैंने कहा हाँ मामू वांट्स टू मीट यू ना, तो इसने कहा हाँ आ जाऊंगा अगर। ये क्या बंदा है, ये तो मान भी गई थी चली। मैं आ गया, मैं फिर आया वो दिन, तो और आज का दिन है। हम पहले दिन गए, उन्हें शुगर लगाना शुरू किया, उन्होंने दो शुगर की बात की, मैंने भी आगे से दो डिलीवर की, जिस तरह व्लॉग में भी चल रहा होता है। उनको फिर पता नहीं क्या, उन्होंने मुझे अपनी लाइफ स्टोरी बताई, वो किस तरह अमेरिका आए, उन्होंने क्या किया, ये वो। रात तक हम शुगर ले, एक बजे में, बारह एक बजे तक घर गया था मैं उस रात को ना। हर वीकेंड पे मूसा आ जाता था हमारी तरफ, फिर कभी मेरी बर्थडे का केक कट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी फैमिली के साथ जा रहा हूँ मैं। इवन जो बच्चे भी थे वो भी मूसा के साथ इतना अटैच हो गए थे, मूसा उनके साथ गेम्स खेल रहा वगैरह, पता नहीं, बस खुद बन गया था, खुद बन गया था। आगे फिर ये हुआ, उसके बाद फिर मीना आई, फिजा की बेस्ट फ्रेंड जो है ना मीना आई, वो मैं बताता हूँ आके, इंटरेस्टिंग स्टोरी। खैर उस वक्त ना फिजा जो थी, यू नो आई मीन थी क्या है, शी वाज ऑलवेज बीन अ गुड गर्ल एंड शी वाज लाइक, मामू भी चाह रहे थे कि हमारी ना शादी वाली बात हो आगे। खैर मैं शादी के उसमें नहीं था मोड में, क्योंकि यू नो उस वक्त मैं था प्रोग्रेसिव, यू नो अभी नहीं शादी करनी, ये करना है वो करना है, इतना प्रोग्रेस भी नहीं हुए थे, नथिंग हैपेंड। मैंने कहा यार अभी ना उसको ऑफिशियल कॉल इट ऑफ कर देते हैं, तो ना मुझे दुख पड़ा हुआ, यू नो फिजा को भी पड़ा हुआ, बैड टर्म्स, फिर भी दोस्ती वोस्ती रही, लेकिन ये मीना साइड से आ गई, ठीक है। उस वक्त ना मीना को, आई मीन मैं उसको कोई बैड माउथ नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसको उस वक्त डेट नहीं कर रहा था ना कुछ कर रहा था, वैसे ही मुझे मिली थी, दो तीन दफा हम घूमे फिरे थे, वो शी लाइक्ड मी एंड शी फोर्स्ड के ना मैं उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊं किसी तरह ना। फिर वो व्लॉग्स में भी आई, तो आप लोगों ने व्लॉग्स जो मुझे पुराने फॉलो करते देखे होंगे। फिर उसको ना फिजा से बहुत मसला होता था, शी यूज्ड टू ब्लॉक मी, और मुझे लोग मेरा फोन पकड़ के ब्लॉक करती रहती थी, और इसको हाँ क्या कहते लोग मुझे मैसेज करके कहते थे, मुसा भाई ने आपको अनफॉलो क्यों कर दिया, मुसा भाई ने आपको, मैं अलग ही नहीं करता था इसको अनफॉलो, वो कर देती थी यार, मुसा मुझे मैसेज करते थे यार, उससे फिर तुम्हें निकाल दिया, मैं ऐड कर लूं, फिर हमने दो तीन मरतबा ऐड किया एक दूसरे को, बार बार हो रहा है। वो ना असल में क्या था, मैं कई इवेंट पे जा रहे हैं, तो मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी ना इस्तेजा की आ जाती थी देख के, जिसको आग लगती थी। खैर आई अंडरस्टैंड जेलसी होती है औरतों में, लेकिन खैर इतनी भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आई डिडंट डू एनीथिंग, लाइक हम मिले भी नहीं थे उस टाइम में सारा, बस मैंने तुम्हारी जब ग्रेजुएशन हुई थी तो मैंने कंग्रेचुलेट किया था, यू नो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यू नो मीना के साथ थोड़ा सीन सीरियस हो गया, शादी वाला सीन, ये वो फलाना, लेकिन इवेंचुअली आई स्टार्टेड सीइंग फॉर व्हाट इट रियली इज, एंड यू नो इट काइंड ऑफ ओपन माय आईज, एंड आई वाज लाइक नहीं यार हमारा मतलब यू नो सीन नहीं बन सकता, एंड यू नो उसकी नेचर सही नहीं थी, वो यूट्यूब पे बंदा कुछ और देखता है और असल लाइफ में आपको नहीं पता होता, लोग अभी भी कहते हैं आई फील सॉरी फॉर हर, मैंने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो, क्यों सिम करो ऐसे औरत के लिए जिसको तुम जानते भी नहीं हो, राइट। तो मीना से मेरा खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, ड्यूरिंग दैट टाइम ठीक है आई हैड अदर प्रोस्पेक्टिव, इसके अदर प्रोस्पेक्टिव भी चल रहे थे, व्हेनेवर आई यूज्ड टू टेल मामू कोई भी स्टोरी, मामू कहते थे नहीं फिजा जो मूसा था ना वो सबसे अच्छा था, कहते थे मामू उसकी मंगनी हो गई अब तो छोड़ दो, और फनी थिंग जब आपकी मंगनी हुई भी ना मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं फॉलो अप नहीं कर रही थी, मुझे लोग मैसेज करके, आपके फॉलोअर्स मुझे मैसेज करके कह रहे हैं मूसा भाई की तो मंगनी हो गई, और जब टूट भी गई थी तब मैं तब भी फॉलो कर रहा था कि हाँ मूसा भाई की मंगनी, मूसा भाई की मंगनी टूट गई है फिजा बाजी, हालांकि कोई मंगनी नहीं थी, बस रिंग पे नहीं थी, वो भी उसने ना मुझे लिटरली आई स्वेयर खुद ही दे गई थी दुकान में, मुझे रिंग पहना दो ये वो ना, मैं तो मैं एंगेज्ड हो गई हूँ। मीना ने क्या किया था, मेरी ना वीडियोस पकड़ गई यूट्यूब की, काफी देर डिलीट कर दी थी उसके साथ, और फिजा के साथ वाली भी डिलीट कर दी थी जो दो मैंने लगाई थी, मेरी कोई 30 वीडियोस उसने हटा दी थी, तो ना मेरा यूट्यूब से बड़ा दिल उठ गया था उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली आई वर्कड हार्ड फॉर दोस वीडियोस। हुआ क्या फिर मैंने बड़ी सैड सी रील लगाई थी इंस्टाग्राम पे के लाइव इंस्टाग्राम लाइव पे था कि सारा सीन अभी ना खत्म हो गया उसके साथ, तो मजे की बात है मामू ने पता नहीं कहां से मेरा लाइव ज्वाइन कर लिया, वो लाइव पे कहते ओहो मूसा वेरी सैड चलो लेट्स गो टू जिम टुगेदर, ये वाला इमोजी लगा के मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कहा यार मामू अभी तक मेरे साथ इतने अच्छे हैं, हालांकि मैं आई डिड रॉन्ग, यू नो आई फुली एडमिट कि मैंने गलत किया था, पहले उम्मीदें लगाई फिर छोड़ के चला गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आओ घर में इनवाइट करता हूँ तुम्हें, हफ्ते बाद मैं उनसे मिलने गया घर पे, तो जब मैं घर पे मिलने गया तो मामू ने यू नो बातें शाते की, मुझे लगाई दो तीन, तब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मुझे मामू फोन टेट के ही जाने, मूसा है मूसा है, मैंने कहा आपने बुलाया आपका मेहमान है आप बैठो, इसको मेरे पे गुस्सा आ रहा है बेसिकली ना कि क्यों आए दोबारा, हाँ नो थिंक इट डजंट मेक सेंस, और आप भी उसको इनवाइट कर रहे हो,
और मैं कोई इस तरह उम्मीद से नहीं आया था कि ये ना मेरा फिजा का सीन दोबारा ऑन हो जाएगा, मुझे कोई ऐसा नहीं था, मैं तो बस मिलने आया था मामू से जेन्युइनली। फिर मामू ने कहा कि यू नो क्या सीन है तुम्हारा, ट्राई करोगे? मैंने कहा किस तरह करो, मानेगी नहीं। कहते नहीं नहीं मामू ने ना मुझे सुख बात की थी, कहते अगर तुम उसको नहीं मना पाओगे ना तो तुम मर्द ही नहीं हो, मर्द के बच्चे ही नहीं हो, तुम्हें मनाना है फिजा को किसी तरह। आई डोंट नो व्हाट ही सॉ इन मी बट ही रियली वांटेड मी टू बी विद फिजा। उसी रात को ना ये मेरे से नाराज थी, हम चाय कॉफी पीने गए तब भी ये नाराज ही थी मेरे से। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगेन वी हंग आउट टू और थ्री टाइम्स। हम वापस को इनवाइट कर लेते थे, हर कोई भी घर पे इवेंट हो रहा होता था ये मुझे इनवाइट कर लेते थे बाय बाय नहीं ताकि हमारी बात हो तो क्या। और फिर ना eventually यू नो बर्फ पे गल गई फिर फिजा मेरे से सही हो गई। फिजा ने कहा नहीं नहीं यार ये बच्चा अच्छा है, इसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। फिजा ने मेरे से पूछा क्या तुम्हारे थॉट्स हैं, आर यू लाइक सीरियस दिस टाइम? एंड इसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं हाँ कर दूंगा, ये ना मैं से वैसे ही पूछा। मैंने कहा हाँ मैं इस दफा शादी करना चाहता हूँ स्ट्रेट अप। कहती है वाकई में मजाक कर रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं आई एम सीरियस। ठीक है फिर उसने उस रात को मामू को कॉल की तो मामू ने उसी रात प्लानिंग शुरू कर दी शादी की। मामू ने इट्स सो फनी कि आई वाज गोइंग टू पाकिस्तान एट दैट टाइम, आई थिंक फ्यू वीक्स में मैं पाकिस्तान जा रही थी। हम कहते हैं हाँ हाँ उसको को अपनी उसकी अम्मी पाकिस्तान में है ना तो तुम्हारे घर आ जाए जब तुम पाकिस्तान जा रही हो। मामू ने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग कर ली। मेरी अम्मी उसके पेरेंट्स मिले, थोड़ी बात हुई, फिर उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है सीन गुड है। और फिर ना मामू ने हॉल देखना शुरू कर दिया, उन्होंने अगस्त में फिक्स कर दी शादी। अगस्त फॉरन करो, मामू चाहते बस हो जाए, मैं भी चाहता हो जाए ठीक है जल्दी। हमने कोई ड्रामा नहीं किया, पहले मंगनी होगी फिर दो साल बाद निकाह होगा फिर दो साल बाद रुखसती होगी। मैंने कहा था सिंपल सी शादी करनी है, बड़ी शादी ली छोड़ो, शादी पे पैसे ज्यादा लगाने भी नहीं चाहिए, अच्छी सी शादी करो क्लोज लोग बुला के और आगे लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। हम लोगों ने की हमने बेसिक इवेंट्स फैमिली हाँ फैमिली अलग किए थे जो आपने व्लॉग्स देखे भी होंगे। खैर पाकिस्तान से आई हम लोग घूमे एक दूसरे के साथ और बड़ा एक्साइटेड था हमारी शादी होने वाली है क्योंकि इट वाज मोस्टली शादी हो रही है और फिर से अपार्टमेंट शिफ्ट हो रहा है। हाँ फिर हमने अपार्टमेंट देखना शुरू किया, अपार्टमेंट की चीजें सोफे वगैरह चीजें, भाई वाज अ वेरी एक्साइटिंग एंड गुड टाइम। और फिर ये वाला अपार्टमेंट हमने साथ जाके ढूंढा दोनों ने तो उसमें फायदा होगा क्या यू नो सारी हमारी अपनी चीजें पिक्चर्स वगैरह भी लगी होती है और ये जो सारा आपको पहले ही पता चल जाता है, शुरू में ही पता चल जाता है और आपकी फैमिली भी लोग भी आपको ना साथ देखते हैं तो उनको पता चल जाता है। नहीं यार हाँ वन मोर वन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स अवर मैरिज वाज जब भी कोई हमें साथ देखता था कहते यार तुम लोग साथ बड़े अच्छे लगते हो दोनों साथ, मामू स्पेशली दोनों हंसते खेलते रहते हैं तो ना इनकी शादी होनी चाहिए, देयर मेड फॉर ईच अदर राइट। तो आई वाज श्योर टू ज्यादा वेस्ट टाइम इससे किया भी नहीं हमने, लिटरली हम जब दोबारा मिले ना हमने कोई डेटिंग वेटिंग नहीं की, सीधी शादी वाली बात की। 3 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई, कोई इसमें मंगनी नहीं हो रही, साथ फिर रहिए वो। हमने कहा जल्दी इसको काम को करो, वी आर ग्लैड वी मेड दैट डिसीजन। सो यू नो इफ यू आर अबाउट टू मैरी समवन उसके सर्टेन क्वालिटीज देखो, एस्पेक्ट देखो, इतना वेट नहीं करना चाहिए, इतना डेटिंग को लंबा नहीं करना, डेटिंग को लंबा नहीं करना चाहिए, चार्ड खत्म हो जाता है आपस में बस। अगर आपको लगता है कि सीन अच्छा है शादी कर लो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। फेयर बॉयज एंड गर्ल्स दैट वाज द स्टोरी ऑफ हाउ आई मेट माय वाइफ in America. Very unexpected. We never thought, हम शुरू में भी जब मिले थे, we both never thought we would marry each other. कभी ना ये गुजर रही होती है ना घर से, मैं कहता हूँ यार all it took was one hi and now you're my wife. तो कभी कभी ना बंदे को सोच के अजीब सा लगता है। But anyways, this was the story, boys and girls. If you liked the story, then do like the video. Don't forget to subscribe. It took a lot for us to express or tell the story. And again, लोग कहते हैं यार शेयर नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया में, but I think सोशल मीडिया का जमाना थोड़ा डिफरेंट है, it's a little raw. It's not like we're doing anything bad. It's just हमारी स्टोरी से मैं चाहता हूँ कि लोगों का भी यू नो उनको इस तरह अपनी जोड़ियाँ मिले। To be honest, the main reason is एक दूसरे का टाइम आप वेस्ट ना करो। हाँ जब आप किसी से मिलते हो आपको शुरू में ही पता चल जाता है if it's a yes or no. अगर आप उसके साथ फ्यूचर देख रहे हो एंड में तभी आगे बढ़ो या कुछ करो, आई मीन उसका टाइम भी ना वेस्ट करो अपना टाइम भी वेस्ट ना करो। या दैट वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी टू के लाइक यू नो के अगर आपको कोई लगता है आपको सही मिल गया है। और ये जो कहते हैं ना लोग कि यार पहले करियर बना लो फिर शादी करेंगे फिर ये करेंगे, स्पेशली लड़कियां, आई थिंक मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग एंड आई विश आई हैव डन इट इवन सूनर ऑनेस्टली। पैसे वैसों की जो गेम होती है ना अल्लाह वो कर देता है, अल्लाह बरकत डाल देता है, लेकिन हलाल रिलेशनशिप जो होते हैं ना ट्रस्ट मी इट गोज अ लॉन्ग वे एंड आई विश समबडी टोल्ड मी दैट बिफोर। अगेन इफ यू फाइंड समवन दैट
यू थिंक इज गुड फॉर यू जस्ट मैरी. आई नो वो कहते हैं मैरी द राइट पर्सन वगैरह, लेकिन यू नो फैमिली वैमिली से बात कर लो, देखो लड़की का पास्ट कैसा है, लड़के का फ्यूचर देखो, लड़की का पास्ट देखो. मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ. लेकिन लड़के का पास्ट भी सेंस में देखो, शराबी कबाबी तो नहीं है. ड्राइव होनी चाहिए लड़के के अंदर टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ. लड़की को थोड़ा सा प्योर होना चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जिंदगी में कुछ पुट्टा होना चाहिए उसने, ठीक है. एंड अब ये मतलब थोड़ी है मामू ने ऐसे ही इसको पसंद नहीं लिया, मामू ने ऑब्वियसली वीडियो YouTube वीडियोस इसकी पुरानी देखी थी, सारी देखी थी, मोस्ट ऑफ देम. सो शी इज वेरी क्लोज विद हर मामू, लेकिन वो मामू की बेटी की तरह ही है, तो ऐसे नहीं कोई दे देता. आई सॉ दैट आई वाज हार्ड वर्किंग, आई वाज रियली नाइस टू हर, वी वर रियली गुड टुगेदर, यू नो, खुश रहती थी मेरे साथ. तो इट वाज ऑल दोस थिंग्स, सो यू हैव टू लुक फॉर दोस थिंग्स. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. मेरा गला, मैं अपना गला जाके सही करता हूँ, ठीक है. दबा दूँ? दबाई दो, मार ही दो, तुम्हारा तो यही है. Anyways, boys and girls, I'll see you in the next vlog, inshallah. Come here, girl. Go ahead, be gone with it.